आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं थोड़ा सा बाहर आया हूँ एक्चुअली, तो 2-3 दिन तक लेक्चर जो है वो ऐसे ही होंगे, थोड़े इररेगुलर टाइप के होंगे। उसके बाद फिर हम नॉर्मल तरीके से लेक्चर्स करेंगे। तो हम बात करेंगे, आज थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ सकता है आपको क्योंकि मैंने कहा मैं बाहर आया हूँ। तो हम बात करेंगे कि हरियाणा में MBBS के डॉक्टर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको बता दूं कि सोनीपत हो गया, मेवात हो गया, बहुत सारे रीजन्स में हरियाणा के डॉक्टर्स, अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, देयर आर मेनी कॉलेज जहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया कि आंदोलन जो है वो अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया है। हरियाणा सरकार ने 2020 में एक पॉलिसी निकाली। उस पॉलिसी के तहत ये था कि जो डॉक्टर्स हैं उनको कम से कम 7 साल सरकारी सर्विसेज देनी पड़ेंगी। यानी कि अगर मैंने MBBS पूरा किया है तो मुझे कम से कम 7 साल कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट मुझसे कराया जाएगा और मैं सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर बन के रहूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। भाई कौन सरकारी डॉक्टर बनना नहीं चाहता है? इससे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। नहीं होंगे वारे न्यारे, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम ये है कि यहां पे 7 साल तो बोला गया, लेकिन एक कैच है बहुत बड़ा। कैच ये है कि ये बैंक को पिक्चर में ले आए हैं। अब बैंक को कैसे पिक्चर में ले आए हैं? इन्होंने ये बोला है कि आपको बॉन्ड अमाउंट भी डिपॉजिट करना पड़ेगा, यही तो दिक्कत है। और वो 36,08,000, यानी कि 4 साल का, 1 साल का 9,20,000 है, तो 4 साल का 36,08,000 आपको और रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है? और ये आपका बॉन्ड अमाउंट है। बॉन्ड आप साइन करते हो ना, आप जॉब करोगे, आप किसी कंपनी में जाओगे, आपको एक बॉन्ड एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है, बॉन्ड या एग्रीमेंट। अब उस बॉन्ड में है कि आप 3 साल तक, 2 साल तक, 4 साल तक, जितने भी साल तक हमारे साथ काम करोगे, नहीं काम करोगे तो इतने पैसे आपको हमको देने पड़ेंगे। अब यहां पे वो पैसे बॉन्ड एग्री, बॉन्ड अमाउंट है, ठीक है? सेम चीज है यहां पे, 7 साल तक सरकारी जॉब करनी पड़ेगी और बॉन्ड अमाउंट जो है वो 36,80,000 रुपए है, ये आपको देने ही देने हैं। तो अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अब यहां पे जो जो MBBS स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, जो डॉक्टर्स हैं, छात्र तो नहीं कहेंगे उनको, डॉक्टर्स ही कहेंगे, उनको बॉन्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम ये जो अमाउंट है। तो क्या मांगे? सबसे पहले तो इस अमाउंट को 36 लाख से 5 लाख किया जाए, पहली मांग। दूसरी मांग ये है कि भाई ये जो इतना लंबा पीरियड है, ठीक है, 7 साल ना, इसको अगर मान लो मैं हूं, मैं मुझे प्राइवेट कोई नौकरी करनी है, मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, वहां पे अगर जॉब करना चाहता हूं, इसमें अच्छा ये इसमें क्लॉज है, आपको ये बता दूं कि अगर प्राइवेट जॉब मैंने ली, ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैंने 7 साल से पहले प्राइवेट जॉब मैंने ली, तो ये बॉन्ड अमाउंट जो है वो मुझे भरना पड़ेगा, ये भी इसमें क्लॉज है। तो आप ये समझिए कि अब अगर मान लीजिए कि मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे अगर अमेरिका में जॉब मिल रही है तो मैं वहां पर क्यों ना करूं। तो इसमें यहां पे 7 साल को 1 साल करने की मांग की गई है कि सरकारी जो लिमिट है इसको 7 साल करके 1 साल करो। सरकार ने क्या बोला, मनोहर लाल खट्टर ये बोल रहे हैं कि कोई भी बॉन्ड अमाउंट किसी को साइन नहीं करना है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे, बॉन्ड अमाउंट कोई नहीं साइन करेगा। फिर उसके बाद सरकार ने ये भी, हालांकि देखिए सरकार ने अपनी तरफ से कुछ चीजें बोली हैं, सरकार यहां पे मनोहर लाल खट्टर बोल रहे हैं कि राज्य में डॉक्टर्स की भारी कमी है, इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया है। फिर एक और चीज यहां पे सामने आ रही है, सरकार का जो प्रोविजन, उसने ये बोला है, मतलब सरकार ने ये कहा है कि देखिए सबसे पहले 7 साल से 5 साल, 7 साल से 5 साल हम आपका ये पीरियड कर देंगे और कुछ रिडक्शंस दिए हैं यहां पे बॉन्ड अमाउंट में। तो टोटल बॉन्ड अमाउंट और फीस लेके 25 लाख रुपए के करीब जो है वो आपको देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद 10% जो है वो रिलैक्सेशन भी दिया है, ठीक है, लड़कियों को। और यहां पे एक और चीज बता दो, स्टूडेंट की एक और मांग है कि हमको 4 महीने के अंदर अंदर गारंटीड जॉब चाहिए। सरकार ये कह रही है, सरकार ने तो ये सारी चीजें दी। फिर सरकार ये भी बोल रही है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप क्योंकि ये भाई बॉन्ड अमाउंट है भाई, क्योंकि ये आप बैंक के थ्रू टाइड अप हो, तो अगर मान लीजिए कि जैसे आपके पास पैसे हैं, आप मान लीजिए कि जैसे एज अ डॉक्टर कहीं पे ज्वाइन करते हो, ठीक है, और आपकी एक सैलरी कम है, तो एक मेडिकल ऑफिसर होता है ना, उसकी सैलरी से कंपेयर किया जाएगा, और जब आपकी सैलरी उतनी है उससे ज्यादा हो जाएगी तभी आप ये अमाउंट जो है वो भरें। तो ये हिसाब किताब है। अब जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो कल रेसिडेंट डॉक्टर्स ने जो है वो पीछे अपने हाथ खींच लिए कि ठीक है, ये फेयर इनफ और सही है, हमको सही लगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे डॉक्टर, जैसे जो प्रिया कौशिक जो हेड है बेसिकली डॉक्टर्स एसोसिएशन की, मतलब जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो वो ये कह रही है कि ये बहुत ही गलत है और ये एकदम सही नहीं है, ये बहुत ही हार्श कंडीशन है, किसी भी राज्य में इस तरीके की इतनी हार्श कंडीशंस कभी भी इम्पोज नहीं की गई है, ठीक है? तो ये मामला चल रहा है, ये मान रहा है, और इसीलिए हरियाणा में डॉक्टर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकी देखेंगे आगे कब तक प्रोटेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।